हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू कर इमेज। दोस्तों, बचपन में मुझे शादी अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था। नए नए कपड़े पहना के नानी मुझे अपने साथ लेके जाती थी शादी में। जैसे ही पंडित जी ने आखिर वाला शुभ मंगल सावधान बोल दिया कि हम बच्चे खाने की जगह पर दौड़ जाते थे कुर्सी पकड़ने के लिए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे शादी अटेंड करना क्यों अच्छा लगता था। महाराष्ट्रीय शादी के खाने में कुछ व्यंजन आज के जमाने में भी इरिप्लेसेबल है। उनमें से एक है मसाले भात। अब ये मसाले भात वरण के साथ परोसा जाएगा या कढ़ी के साथ, ये सब थोड़े बहुत चेंजेस तो होते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं महाराष्ट्रीय स्पेशल एंड वेरी फ्लेवरफुल मसाले भात। मसाले भात हम बना रहे हैं 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल, 1/2 कप फ्रेश मटर, आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 मीडियम साइज आलू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 कप कॉलीफ्लावर फ्लोरेंस, 1 कप तोंडली कटी हुई जिसे हिंदी में तिंडोरा या फिर कुंदरू कहा जाता है, 7 से 8 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इन सबकी हम रोस्ट करके फाइन पाउडर बनाएंगे। 1 बड़ा प्याज लंबाई में कटा हुआ, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून गोड़ा मसाला। गोड़ा मसाला बनाने की विधि हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। 2 तेज़पत्ता, 10 से 12 काजू, 1/2 कप किसा हुआ नारियल, कुकिंग ऑयल, नमक और 1 टेबलस्पून देसी घी। सबसे पहले हम चावल को 30 मिनट तक पानी में सोक करके रखेंगे। 30 मिनट के बाद हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने पैन गरम होने के लिए रखा है। मसाले के पाउडर के सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके रोस्ट करेंगे, जैसे कि साबुत धनिया, दालचीनी, लौंग और जीरा। ये सारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, अभी हम इनकी फाइन पाउडर बनाएंगे। ये मसाले का फाइन पाउडर तैयार है, आइए अभी मसाले भात बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून तेल गरम होने के लिए रखा है। आइए सबसे पहले काजू फ्राई कर लेते हैं। काजू को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। काजू फ्राई हो गए हैं, आइए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी तेल में हम डालेंगे तेजपत्ता, राई, हींग, प्याज। प्याज को हम हल्का नरम होने तक भूनेंगे। प्याज नरम हो गया है, अभी हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल निकल ना जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून गया है, अभी हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गोड़ा मसाला, तैयार किया हुआ रोस्टेड मसाले का पेस्ट, स्वादानुसार नमक और इन सबको हम तेल में भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, मैंने इसे 4 मिनट तक भुना है। अभी हम इसमें डालेंगे सारी कटी हुई सब्जियां, जैसे कि कॉलीफ्लावर, तोंडली, आलू और मटर। अगर आप फ्रोजन मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे बाद में राइस के साथ डाल सकते हैं। सब्जियों में हम डालेंगे 1 कप पानी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को हम ढक के करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। सब्जी पकने में मुझे 12 से 13 मिनट लगे,
अभी हम इसमें डालेंगे चावल, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे फ्राइड काजू और 4.5 कप पानी, क्योंकि मैंने 2 कप चावल लिया था। और इन सबको हम मध्यम आंच पे एक बॉईल आने देंगे। मध्यम आंच पे एक बॉईल आने के बाद हम आंच धीमी कर लेंगे और राइस में डालेंगे घी और हम राइस को ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे। करीब 15 मिनट के बाद आइए देखते हैं चावल पका है कि नहीं। चावल अच्छे से पक गया है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे ढक के 15 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद सर्व कर लेंगे। दोस्तों, ये मसाले भात तैयार है। इसे मैंने फ्रेश कोकोनट से गार्निश कर लिया है। कढ़ी और मसाले भात एक यम्मी कॉम्बिनेशन है। कढ़ी की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो बनाइए इसे अपने घर में और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी kalimirch.smita.com पर। टिल देन, कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।